योद्धाओं, आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे मेंस का, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रहा होगा कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं क्या मैं इस लायक हूँ कि नहीं हूँ, क्या मेरी प्रिपरेशन इस लेवल की है कि मैं एग्ज़ाम को निकाल पाऊँ। कभी कभी आपको छोड़ देने का भी मन करेगा, लेकिन याद रखना इस मैदान में जीतता वही है जो इस मैदान में टिका रहता है। भले ही आप धीरे धीरे खेलिए, लेकिन खेलते रहिए और इस मैदान के में अंत तक टिके रहिए, तभी आपकी जीत होगी। आपका मन बोलने दीजिए, वो आपको डिमोटिवेट करता रहेगा, वो आपको हराने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन अपने मन को एक दूसरे मन से जीतने की ज़रूरत है कि हम लोग ये कर ही लेंगे। ये आत्मविश्वास अपने अंदर जगाइए और डेली उठ के पढ़ने में लग जाइए। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को आज आखिरी दिन पढ़ेंगे। आपके जितने सिलेबस में सिलेबस पकड़िए, बिना सिलेबस पकड़े आपको पढ़ाई नहीं करना है, सिलेबस हाथ में होना चाहिए। टॉपिक देखते देखते वो टॉपिक जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, कृषि, जनसंख्या, नगरीकरण, मिट्टी, जलवायु, वो सारी चीज़ें आज आप पढ़िए और आज आप इंडियन ज्योग्राफी को ख़त्म करने का प्रयास करिए। और वो ख़त्म हो जाना चाहिए। आपकी स्पीड, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती है। आप जितना कैपेबल होंगे आपकी स्पीड उतनी अच्छी होगी। तो बिना समय वेस्ट किए अपनी पूरी क्षमता लगा के पढ़ाई करिए। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में आप लिख रहे हो और पहला लिखना पगड़ी को क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में पगड़ी को क्या बोलते हैं, फुंसी को क्या बोलते हैं, कमल को क्या बोलते हैं, अनामिका को क्या बोलते हैं, कमल गट्ठा को क्या बोलते हैं, निजी आरक्षित को क्या बोलते हैं, मजबूत को क्या बोलते हैं, ब्लाउज को क्या बोलते हैं, पालतू को क्या बोलते हैं, और ग्राम सेवादार, ग्राम सेवादार को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं। इतना आप छत्तीसगढ़ी का शब्दकोश लिखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों में एक ही पेज पढ़ना है। कल पहला पेज पढ़े थे, आज दूसरा पेज का टेस्ट लिखिए और रात को सोने से पहले तीसरा पेज पढ़ लीजिएगा, ताकि हम लोग अगले सुबह तीसरे पेज पे ऊपर टेस्ट भी लिख लेंगे। तो पहला लिखना जिसकी उपमा न की जा सके, थोड़ा जानने वाला, अंक में सोने वाला, जिसकी कोई सीमा नहीं, तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, नो जो न जाना गया हो, जो न जाना गया हो, पर्वत के ऊपर का समतल भूमि, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रहण करना, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना, गलत बोल दिया था शुरू में, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना, जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो, जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना। विलोम हम लोग मुहावरा में फिर कंटिन्यू करते हैं, बीच में थोड़ा सा ब्रेक कर लिए थे, फिर मुहावरा को कंटिन्यू करते हैं। पहला लिखना मिट्टी के माधो, मिट्टी के माधो। दूसरा है मक्खियाँ मारना। तीसरा है मन के लड्डू। चौथा है मुंह फैलाना, मुंह फैलाना। फिर है मुट्ठी गर्म होना, मुट्ठी गर्म होना। युधिष्ठिर होना, रंग में भंग होना। तो ये हिंदी के कुछ टास्क हैं आपके, छत्तीसगढ़ी मैंने आपको दिया। और साहित्यकार वाली जो पार्ट है उसमें आप एक दो लिख लो, या फिर पहला लिखना कोदूराम दलित, खूबचंद बघेल, गंगा प्रसाद गुप्त बरसैया और गिरिवर दास वैष्णव, इनका आप छत्तीसगढ़ी में रचना लिखिए और टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही रहेगा। मेरी थोड़ी स्पीड कम हो गई क्योंकि मेरी थोड़े से कुछ दिनों से तबीयत ख़राब हो गई है, मतलब ठीक नहीं लग रहा है, ख़राब तो नहीं है, ठीक ही हूँ। तो मेरी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन आप लोग अपनी स्पीड मत कम करना, आप लोग उसी स्पीड से भागते रहना कि आपके पीछे ही सब हों, आपके आगे कोई ना हो। तो वो स्पीड मेंटेन रखना, स्पीड धीरे बिल्कुल भी मत करना और लगे रहो, ठीक है। कल फिर मिलेंगे नए टारगेट में। थैंक यू।